एप्पल ने अपने पहले स्मार्ट स्पीकर होम पॉड को हमेशा के लिए बंद कर दिया। एप्पल होम पॉड सीरी वॉइस को सपोर्ट करने वाला कंपनी का पहला स्पीकर था। कंपनी ने इस स्पीकर को 4 साल पहले 2018 में लॉन्च किया था। बता दें कि एप्पल होम पॉड की मौजूदा यूनिट्स की बिक्री जारी रहेगी। इसके साथ ही कंपनी मौजूदा होम पॉड्स ग्राहकों को सॉफ्टवेयर अपडेट और एप्पल केयर सर्विस मिलती रहेगी। बता दें कि भारत में एप्पल होम पॉड स्मार्ट स्पीकर की कीमत 19,900 रुपए रखी हुई थी। साथ ही इसमें हाई ऑडियो साउंड भी दिया गया है। यूजर इस स्पीकर पर एप्पल म्यूजिक के साथ 60 मिलियन यानी 6 करोड़ गाने सुन सकते हैं। इस फुल साइज स्पीकर की जगह अब होम पॉड मिनी लेगा। कंपनी ने टेक क्रंच को बताया कि वह अब होम पॉड मिनी पर फोकस करना चाहता है। होम पॉड मिनी को मार्केट में भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसी वजह से ओरिजिनल होम पॉड को बंद किया जा रहा है। एप्पल होम पॉड मिनी की खासियत ये है कि इस स्पीकर के साथ म्यूजिक के अलावा हैंड फ्री कॉलिंग भी कर सकते हैं। ये पर्सनल लिविंग सजेशंस भी देता है, साथ ही एप्पल टीवी के साउंड को भी लाउड करता है। वहीं इसे एप्पल के लैपटॉप मैक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एप्पल होम पॉड मिनी की कीमत 9,990 रुपए है। होम पॉड मिनी में एप्पल S5 प्रोसेसर दिया गया है। यह वही चिप है जिसे सबसे पहले एप्पल वॉच सीरीज 5 में दिया गया था। इसके साथ ही इस स्मार्ट स्पीकर में U1 चिप के साथ अल्ट्रा वाइड बैंड तकनीक का सपोर्ट दिया गया है। इस तकनीक के जरिए स्पीकर अपने अपने डोर लॉक से लेकर वॉल्यूम तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी खूबी यह है कि अगर कोई इस स्पीकर को घर से चुरा लेता है तो यह डिवाइस यूजर को सचेत कर देता है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।